हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो आज के लेक्चर में देखते हैं उस पे बेस्ट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं और प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेन निकाल लेना है और लिखना शुरू कर देना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है, एक सर्किट है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है और ये एक सेल है 6 वोल्ट का, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का। सर्किट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ और ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 6 ओम का लगा हुआ है, यहाँ भी एक 6 ओम का है, यहाँ पे एक एमीटर है जिसका नाम A1 है और ये भी 6 ओम का है। क्लियर है यहाँ तक? फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का। अच्छा सा सवाल है, देखेंगे समझेंगे। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का और यहाँ एक की लगा हुआ है जिस की का नाम है K, और ये कनेक्ट है इस तरह से। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये मेरा की है, की फर्स्ट नंबर का है, नंबर 1 में। व्हेन व्हेन की के इज ओपन देन फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2। जब की मेरा ओपन है तो उस वक्त कहता है एमीटर का रीडिंग क्या होगा, बताइए। तो जब ये की ओपन है तो ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। अब यहां पे देखिए, ये शॉर्ट सर्किट बना हुआ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6/2, 6/3, दिस इज इक्वल टू 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 2, 4, 6, 2, 8, 4, 12। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया मेरा कितना, 12 ओम। अब यहां से सर्किट में करंट कितना चलेगा, आई आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। वी कितना वोल्ट दिया हुआ है, 6 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना है, 12। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 एम्पेयर। मीन्स यहां से करंट जा रहा है 1/2 एम्पेयर। क्लियर है? अब 1/2 एम्पेयर करंट 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो 1/2 एम्पेयर को 3 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा, इसमें जाएगा I/3, I/3, I का 1/3, I/3 मीन्स 1/6 एम्पेयर। इसमें भी कितना जाएगा, 1/6 एम्पेयर। यहाँ भी कितना जाएगा, 1/6 एम्पेयर। क्लियर है? तो एमीटर से कितना करंट पास कर रहा है, 1/6 एम्पेयर। सो रीडिंग ऑफ एमीटर I1 लेट कर लेते हैं और इसका कितना आया है, 1/6 एम्पेयर। क्लियर है? जब ये तीनों यहाँ पे लगा हुआ है, एक A2 यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऐसे नहीं, यहाँ पे लगा हुआ था सर्किट में, ये मेरा लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लगा हुआ है A2। तो कहता है A2 का रीडिंग क्या होगा, तो A2 का रीडिंग होता ये टोटल जो जा रहा है मेरा 1/2, जो 1/6, 1/6, 1/6, इसमें करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सारा का सारा करंट किसमें आ जाएगा, इसमें, और इसमें कितना करंट चला जाएगा, 1/2 एम्पेयर। सो रीडिंग ऑफ ए मीटर A2, उसको हम I2 लेट कर लिया, इसका रीडिंग कितना आएगा, 1/2 एम्पेयर। क्लियर है? अब देखो यहां से जो करंट आ रहा है, ये करंट 1/2 एम्पेयर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और 1/2 को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/6, 1/6, 1/6, और यहां से 1/6 एम्पेयर पास करेगा A1 से, फिर 1/6, 1/6, 1/6 तीनों मिल करके
A2 में आ जाएगा, ये सर्किट यहाँ ओपन है, इसमें करंट पास नहीं करेगा, टोटल का टोटल करंट A2 से पास करेगा जो 1/2 एम्पियर होगा। क्लियर है यहाँ तक? नंबर बी में कह रहा है, नंबर टू क्वेश्चन है इसी में, व्हेन की K1 इज ओपन था, यहां पे क्या अब क्लोज्ड, तब कहता है रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 बताइए क्या होगा। अब ये की क्लोज्ड हो गया है, तो क्लोज्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा निकालते हैं। जब की क्लोज्ड हो जाएगा तो की क्लोज्ड हो जाएगा तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। उस वक्त मेरा क्या होगा, A4 और A4 दोनों पैरेलल में हो जाएगा और दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम होगा। क्लियर है? अब यहां पे हम देखते हैं 2, 4, 6, ये मेरा 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10, तो यहां पे R इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 ओम। क्लियर है? अब हम करंट निकाल लेते हैं सर्किट में, ये तो शॉर्ट सर्किट है, ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। अब I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, और V दिया हुआ मेरा 6 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया टोटल 10, तो मेरा हो जाएगा 2/5 एम्पेयर। क्लियर है? ये 2/5 एम्पेयर का करंट चलेगा यहां से, 2/5 एम्पेयर का करंट चलेगा। अब 2/5 एम्पेयर डिवाइड करेगा तीन पार्ट में, यहां पे कितना हो जाएगा 2/15, यहां भी हो जाएगा 2/15 और यहां भी कितना हो जाएगा 2/15 एम्पेयर। तो ये जो एमीटर लगा हुआ है A1 में कितना करंट जा रहा है 2/15 एम्पेयर। सो रीडिंग ऑफ एमीटर A1 I1 से डिनोट किया, ये मेरा हो जाएगा 2/15 एम्पेयर। अब 2/15 सारे मिल करके कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो जाएगा मेरा, यहाँ पे ये जा रहा है मेरा 2/5, तो 2/5 दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 2/5 का दो पार्ट हो जाएगा मेरा कितना 2/10 में से इक्वल टू 1/5, इसमें भी कितना जाएगा 2/10, दिस इज इक्वल टू 1/5। तो एमीटर A2 से कितना जा रहा है, A2 से I2 जा रहा है, जो मेरा है कितना 2/10, दिस इज इक्वल टू 1/5 एम्पियर। सो रीडिंग ऑफ एमीटर A1 व्हेन की इज क्लोज 2/15 और इसका हो गया मेरा 2/10, दिस इज इक्वल टू 1/5 एम्पियर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है M और N पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम इसके लिए समझाए थे आपको एक नोडल प्लेन मेथड, और नोडल प्लेन मेथड में क्या होता है, जिसके जिसके बीच के पॉइंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना रहता है, वो दोनों पॉइंट को हम यहां पे लिख दिया, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, यहां पे पॉइंट M, ये पॉइंट N। अब हम देखते हैं न्यू जंक्शन पॉइंट, जिस पॉइंट से 3 से अधिक लाइन पास करता है उसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन। यहां पे आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है, इसका भी पॉइंट हमने लिख कर लिया A। यहां पर भी देखिए 1, 2, 3 है, इसका भी पॉइंट का नाम ले लिया B। अब देखिए M के पास एक पॉइंट और आ रहा है मेरा A, और यहाँ पर एक पॉइंट और है मेरा क्या B। उसके बाद आप देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बट ये सारा पॉइंट N ही होगा, क्योंकि N से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस पाथ में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, इसलिए N पॉइंट दिस All are lies in at same point। Clear है? अब हम करते हैं क्या, resistance connect करते हैं M से कहाँ A, और M से कितना ओम का resistance लगा हुआ है 4 ओम का, और ये cancel हो गया। फिर A से B कितना लगा हुआ है 4 ओम का resistance, और A से B 4 है, ये भी cancel हो गया। फिर मेरा
बी से कहां है ये मेरा एन, देखिए ये सारा पॉइंट क्या है एन है, यहां से लेके यहां तक एन है और बी से एन दो लगा हुआ है फोर और टू का, और ये फोर टू मिला के कितना हो जाएगा सिक्स ओम, तो बी से एन एक लगा हुआ मेरा कितना सिक्स ओम का, क्लियर है, ये दोनों भी कैंसिल। अब आप देखो बी से एन एक और लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो पॉइंट एन, ये भी एन, ये भी एन ही है, तो बी से एन एक और लगा हुआ है कितना 12 ओम का, 12 ओम, ये भी कैंसिल हो गया। अब आप देखो ए से एन लगा हुआ है एक 8 का, ए कहां पर है यहां है, एन यहां है, ए से एन हम लगा देते हैं कितना 8 ओम का, क्लियर है। फिर ए से एन एक और लगा हुआ है 8 ओम का, ए से एन एक और लगा हुआ है कितना ओम का 8 ओम का, क्लियर है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ए से एन एक और लगा हुआ है। आप देखो ए से एन के बीच में एक रेजिस्टेंस और है, यहां पर ये बचा हुआ ए से एन, तो ए से एन एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना 8 ओम का, अब सारा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखो ये दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये दोनों किस में लगा हुआ है पैरेलल में है, तो पैरेलल में लगा हुआ तो कितना हो जाएगा ये दोनों 12 इंटू सिक्स बाय 12 प्लस सिक्स, ये मेरा हो जाएगा 12 इंटू सिक्स बाय 18, सिक्स थ्री जा 18, थ्री फोर जा 12, तो मीन्स ये दोनों मिल करके हो गया मेरा कितना 4 ओम। अब देखो आप ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों सीरीज में हो गया है और ये टोटल कितना हो जाता मेरा 8 ओम। अब मेरा डायग्राम कैसा हो गया है, ये एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, अब 8 ओम का 1 2 3, एक 8 ओम का यहाँ लगा हुआ है, फिर 8 ओम का एक और लगा हुआ है, 8 ओम का फिर एक और लगा हुआ है 8 8 8, क्लियर है। अब ये दोनों मिल करके भी कितना है 8 ओम, एक 8 ओम फिर आ गया है मेरा यहाँ पे, यही पे पॉइंट मेरा कितना है एन, ये पॉइंट क्या है एम, ये 8 8 8 8 का चार रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसीलिए 8/4 ये कितना हो जाएगा 2 ओम, क्लियर है। अब मेरा टोटल सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का आ गया है, ये 4 ओम, ये मेरा कितना है 2 ओम, टोटल दोनों सीरीज में हो गया, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 ओम, सो योर आंसर इज इक्वल टू 6 ओम, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड एन एज शोन इन द फिगर, हम फिगर दे रहे हैं इसी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब यहां पे कुछ इस तरह का है लगा हुआ, ये भी मेरा आर है, आर आर इक्वल है, ये भी आर है, फिर ये भी आर है, फिर ये भी आर है, फिर ये भी आर है, इस तरह से लगा हुआ है मेरा, ठीक है, एक और है, फिर ये भी आर है, फिर ये भी आर है लगा हुआ है, और एम और एन जो पॉइंट है, एम पॉइंट यहाँ पे है और एन पॉइंट यहाँ पे है, तो एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कर रहा है, तो हमको इसमें भी फिर नोडल प्लेन मेथड होगा। आप देखो M और N के बीच में निकलना है, मींस यहां से करंट जा रहा है, यहां से वापस आ रहा है, तो इस दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है सीरीज में है, कितना हो जाएगा 2R, फिर 2R और R किस में है पैरेलल में है, तो 2R और R पैरेलल में है, तो 2R into R by 3R, this cancel, this is equal to 2R by 3, तो ये सारे का रेजिस्टेंस मेरा कितना हो गया है 2R by 3 आ गया है, तो डायग्राम कैसा हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा ऐसे, फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ भी एक रेजिस्टेंस, क्लियर है। अब देखो ये भी R, ये भी R, ये भी R, फिर ये मेरा रेजिस्टेंस R, फिर ये रेजिस्टेंस मेरा कितना है R है, क्लियर है, और नीचे में एक रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R है, और ये सब मिल करके एक रेजिस्टेंस बन गया है, ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया मेरा कितना 2R by 3, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या है
एम है और ये पॉइंट क्या है एन है, क्लियर है। अब आप देखो ये जो ये मेरा इस ट्रेंगल का कितना आ गया है 2r/3। अब ये 2r/3 और r दोनों किस में है सीरीज में है, तो सीरीज में है कितना हो जाएगा 2r/3 प्लस r मीन्स 5r/3। अब 5r/3 के r किस में है पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा 5r/3 इंटू r डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट बाय सम होता है पैरेलल में मीन्स 5r/3 प्लस आर, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5r²/3 डिवाइडेड बाय 8r/3। 3 कैंसिल r कैंसिल, मेरा आएगा 5r/8 मीन्स यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना आ गया है 5r/8। तो डायग्राम कैसा हो जाएगा, डायग्राम इस तरह का हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस फिर ये रेजिस्टेंस, ये भी आर ये भी आर ये भी आर, यहाँ तक क्लियर है। अब एक आर और यहाँ पे और है, ये मेरा एक आर है, यहाँ पे पॉइंट क्या है मेरा एम है और ये पॉइंट क्या है एन है, और यहाँ जो मेरा ये सारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है ये जो था ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया है 5r/8, ये आ गया मेरा 5r/8 ओम, क्लियर है यहाँ तक। अब 5r/8 और ये r दोनों किस में है सीरीज में है, क्लियर है। 5r/8 और 8r, 5r/8r और r दोनों सीरीज में है, सो इक्वल टू r प्लस 5r/8 तो जाएगा 8 13 13r/8 ओम, और 13r/8 ओम के ये जो मेरा किस में लगा हुआ है 13r/8 जो है ये मेरा इस तरह का डायग्राम आ गया है, डायग्राम कर लेते हैं। ये जो डायग्राम आ गया है ऐसा है, ये R है, फिर ये मेरा कितना है R है, यहाँ पर भी फिर कितना आ गया है ये R है। अब यहाँ जो एक नया रेजिस्टेंस आ गया है ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट है, और ऐसे बनाते हैं ये रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट है, और इसका जो वैल्यू आ गया मेरा कितना आ गया है 13r/8, क्लियर है। अब यहीं पर मेरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट m है और ये पॉइंट क्या है n है। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा 13r/8 इंटू आर बाय 13r/8 प्लस r प्रोडक्ट बाय सम, दिस इज इक्वल टू 13r²/8 और ये जो मेरा हो जाएगा 8 LCM हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 13 8 8 3 11 और 21 r, क्लियर है। और ये r r कैंसिल, इससे कैंसिल, ये जो मेरा हो जाएगा 13r/21, क्लियर है। 8 3 11 2 1 3, ठीक है। अब ये मेरा आ गया है, ये इसके सीरीज में मीन्स डायग्राम जो आ गया है कुछ इस तरह का आया है, इसको मिटा दें, डायग्राम ऐसा आ गया है फाइनली। अब देखो ये जो डायग्राम आ रहा है ये डायग्राम ऐसा आया है, ये मेरा आर है और इसका वैल्यू कितना आ गया है, इसका वैल्यू आ गया है 13r/21 और इसके नीचे में क्या लगा हुआ है एक ये आर लगा हुआ है, ये आर, यही पॉइंट क्या है मेरा एम है और ये पॉइंट क्या है एन है, इसी बीच में निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों किस में आ गया है फिर सीरीज में आ गया है, ये दोनों सीरीज में आ गया है, तो इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कितना हो जाएगा ये दोनों का सीरीज आ जाएगा 13r/21 प्लस आर, ये मेरा हो जाएगा 21 13r प्लस 21r, ये इक्वल हो जाएगा कितना, इक्वल हो जाएगा 34r/21। तो डायग्राम कैसा आ गया है, डायग्राम ऐसा आ गया है 34r/21। अब नीचे में एक रेजिस्टेंस क्या है r है और यही मेरा पॉइंट क्या है m और ये पॉइंट क्या है मेरा n, क्लियर है। अब ये दोनों किस में आ गया फाइनली पैरेलल में आ गया है, तो पैरेलल में आ गया तो प्रोडक्ट बाय सम 34r/21 इंटू आर बाय 34
आर बाय 21 प्लस आर, इसको हम करेंगे कितना आ जाएगा 34 आर स्क्वायर बाय 21। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 21, ये 34 आर प्लस 21 आर, 21 21 कैंसिल, ये मेरा कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आर इक्वल टू 34 आर स्क्वायर बाय 415 55 आर, एक आर से एक आर कैंसिल इक्वल टू 34 आर बाय 55 ओम। दिस इज योर आंसर, क्लियर है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड एन एज शोन इन द फिगर। अब इस डायग्राम में देखो एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे है, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे, ये एक ही जगह पे है, क्लियर है। यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस नहीं, अगर यहाँ रेजिस्टेंस रहता दोनों पॉइंट एक जगह नहीं होता। ये मेरा कितना है आर आर पैरेलल में आर बाय टू, ये आर आर पैरेलल में तो आर बाय टू, और ये मेरा डायग्राम कैसा आ गया है, इस तरह का आ गया है, ये आर बाय टू, ये भी आर बाय टू, क्लियर है। अब यहाँ पे नीचे में ये एक आर है, फिर उसके भी नीचे में एक आर है, क्लियर है। अब यहाँ पर पॉइंट एम है, ये पॉइंट क्या है एन है, फिर ये आर बाय टू सीरीज में है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा आर बाय टू प्लस आर बाय टू इक्वल टू आर, क्लियर है। तो मेरा डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये आर यहाँ से फिर इसके नीचे में फिर क्या लगा हुआ है आर, फिर यहाँ पे नीचे कितना लगा हुआ है आर, और आर 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 तीन टू पैरेलल में आ गया है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर बाय 3 ओम, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है फिर तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड एन, ये 2 ओम 12 ओम 7 ओम 3 ओम 6 ओम 16 ओम 6 ओम 3 ओम 4 ओम एंड 2 ओम, एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये मेरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। अब इसको बताए थे आपको जिसके जिसके बीच में निकालना है, एम और एन दोनों पॉइंट को हमने लिख दिया एम और एन। अब आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट भी एक जंक्शन है, थोड़ा यहाँ लिखते हैं देखिएगा थोड़ा अच्छा से, यहाँ पे लिख दिया हमने पॉइंट एम, यहाँ पे लिख दिया पॉइंट एन, एम और एन के बीच में कनेक्ट करना है टोटल रेजिस्टेंस को। अब देखें यहाँ भी एक जंक्शन है, इसको हमने ले लिया ए, यहाँ भी एक जंक्शन है इसको ले लिया बी, यहाँ भी एक जंक्शन है इसको ले लिया सी, यहाँ भी एक जंक्शन है इसको ले लिया डी। क्या कि यहाँ पे देखिए यहाँ भी तीन लाइन है, यहाँ भी चार लाइन है, यहाँ भी तीन है, नहीं यहाँ से यहाँ हम नहीं आ सकते, इसीलिए ये सारे पॉइंट क्या है जंक्शन है। कितना जंक्शन मिला 1 2 3 4। अब देखिए एक जंक्शन यहाँ पे है एक, फिर एक जंक्शन यहाँ है बी, फिर एक जंक्शन यहाँ है सी, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर देते हैं छोटा हो गया है, और एम और एन यहाँ बना दिए एम, और यहाँ पे लिख दिया एन। एम के पास क्या है एक जंक्शन ए है, और यहाँ पे क्या है एक जंक्शन बी है, और एक जंक्शन क्या है फिर सी है, फिर यहाँ पे एक जंक्शन डी है, क्लियर है। अब हम देखते हैं, अब देखिए एम से ए एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एम से ए हमने लगा दिया 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसको कट कर दिया। फिर ए से बी देखिए 12 ओम का है, ए से बी हमने कनेक्ट कर दिया 12 ओम का रेजिस्टेंस, इसको भी कट कर दिया। फिर आप देखिए बी से सी, बी से सी 7 3 10 2 12, ये सब किस में है सीरीज में, 7 3 10 2 12 जो कहाँ है बी से सी लगा हुआ है, बी से सी कितना लगा हुआ है 12 ओम का, ये सब को जोड़ करके कितना आएगा 12, क्लियर है। फिर आप देखो सी से डी, सी से डी लगा हुआ है कितना 4 ओम का, सी से डी लगा दिया हमने 4 ओम का, इसको भी कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखिए डी से एन, डी से एन लगा हुआ है कितना 3 ओम का, ये भी कैंसिल हो गया। अब एक और यहाँ पे बचा हुआ है बी से सी, अब बी मेरा यहाँ है सी यहाँ है, बी से सी कितना लगा हुआ है 6 ओम का, 6 ओम का कनेक्ट कर दिया, ये भी कैंसिल। फिर ए से सी लगा हुआ है, ए यहाँ पे है
और सी यहाँ है, ए से सी लगा हुआ है कितना 16 ओम का, 16 नहीं 6 ही ले लेते हैं, इसको भी देखिए 6 ओम का, ये भी कैंसिल हो गया। फिर ए से डी, ए से डी, ए यहाँ है और डी यहाँ है, ए से डी कितना लगा हुआ है 6 ओम का, इसको भी हम कैंसिल कर दिया और टोटल हो गया, क्लियर है। अब आप देखो ये मेरा दोनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, तो पैरेलल में कनेक्ट है तो कितना हो जाएगा 12 और 6 का पैरेलल, 12 और 6 का पैरेलल, 12 प्लस 6 18, 6 3 जा 18, 3 4 मीन्स 4 ओम आएगा, मीन्स ये दोनों जो रेड कलर से हमने ये रहे हैं ये कितना आएगा 4 ओम आएगा। अब देखो 4 ओम और 12 ओम दोनों किस में हो जाएगा, 4 ओम और 12 ओम किस में आ जा रहा है मेरा, सीरीज में। तो अब देखिए इसका डायग्राम जो मेरा बन रहा है, इसका डायग्राम ऊपर ले रहे हैं, ये मेरा कितना ओम है 2 ओम। अब देखिए 4 और 12 और 4 16, ये दोनों को मिला करके 16 लिख दिया, ये सब को मिला करके हमने क्या लिख दिया 16, 16 के पैरेलल में यहाँ पे कितना लगा हुआ है 6 ओम, 6 कर दिए थे उसको हम 6 ओम, ये 6 ओम ये भी खत्म हो गया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक कनेक्ट है, जो यहाँ से यहाँ कनेक्ट है कितना है, यहाँ से जो यहाँ कनेक्ट है 4 ओम है, और एक और कनेक्ट है यहाँ से 3 ओम का, क्लियर है। और ये मेरा पॉइंट N है और यही पॉइंट मेरा कितना है M है। अब यहाँ से A से दिस इज द पॉइंट A और D, इसके बीच में ये लगा हुआ है कितना, ये लगा हुआ है मेरा कितना 6 ओम का, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद वही आया है, अब क्या होगा, अब ये दोनों किस में है, ये दोनों मेरा पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 6 बार 16 प्लस 6 22, ये 2 बार में 2 3 जा 6 11, 16 3 जा 48 बाय 11, ये मेरा 48 बाय 11 आ गया है, कितना आ गया है 48 बाय 11, और ये कितना है मेरा 4, उसके पैरेलल में कितना लगा हुआ है 6 ओम, इतना ओम इतना ओम, और ये कितना है इधर 3 ओम, ये कितना है 2 ओम, क्लियर है। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा 48 बाय 11 प्लस 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 11, ये 48 प्लस 44 दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12 4 4 8 1 9 92 बाय 11, ऊपर वाला कितना आ गया है मेरा 92 बाय 11, नीचे में कितना लगा हुआ है 6, अब यहाँ कितना लगा हुआ है 3 ओम, ये भी कितना कनेक्ट है 2 ओम। अब आप देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, दोनों को पैरेलल में है तो जोड़ देते हैं प्रोडक्ट बाय सम 92 बाय 11 इंटू 6 बाय 92 बाय 11 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 92 इंटू 6 बाय 11, ये दोनों का लेंगे एलसीएम तो 11, 92 प्लस 66 ये मेरा कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 92 इंटू 6 बाय 11, ये 11 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 6 2 8 और 9 6 15 158, ये दोनों कैंसिल, मेरा आएगा 92 इंटू 6 बाय 158। अब ये दोनों मिलकर के कितना आ गया है, ये मिलकर के आ गया है 92 इंटू 6 बाय 158। अब सबको हम क्या कर देंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये 2 ओम दिया हुआ है, 2 ओम प्लस 92 इंटू 6 बाय 158 प्लस 3 ओम, और ये सब को कनेक्ट कर देंगे इतना ही ओम, दिस इज योर आंसर। फिर एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड एन एज शोन इन द फिगर। फिर वही करेंगे,
जिसके जिसके बीच के पॉइंट हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एम और एन दोनों पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। अब देखिए एक जंक्शन यहाँ पे है और एक जंक्शन यहाँ पे है, इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। एक जंक्शन यहाँ भी दिख रहा है, इसका नाम हमने दे दिया सी। अब देखो यहाँ पे लिखा है एक जंक्शन ए, यहाँ पे हमने लिखा है एक जंक्शन बी, अब एक जंक्शन सी भी है। अब आप देखो ए से सी पे डायरेक्ट हम जा सकते हैं, यहाँ पे बीच में एक वायर लगा हुआ है, मैंने एक शॉर्ट सर्किट का इंडिकेशन दिया हुआ है। ए और सी पॉइंट एक ही जगह पे आ गया है। ए अगर इस अगर ये नहीं लगा हुआ रहता ये वायर, तो मेरा ए अलग होता और सी अलग होता। यहाँ पे क्या किया है, एक वायर लगा हुआ है शॉर्ट सर्किट का, और यहाँ से ए से सी पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं, इसीलिए ए और सी दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम जोड़ते हैं एम से ए कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एम से ए 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कैंसिल। फिर एम से सी देखिए ए से सी, ए और सी दोनों एक ही पॉइंट पे है लगा हुआ, 6 6 12 का। फिर एक वो ए से सी एक और लगा हुआ है, कितना का, 6 का। तो ये तो मेरा दोनों एक ही पॉइंट पे आ गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर मेरा सी से बी लगा हुआ है, ये 2 ओम का है। कितना ओम का है देख लेता हूँ, क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था, ये 2 ओम का है, ये 6 ओम का, ये भी रेजिस्टेंस है दिया हुआ 6 ओम का, ठीक है। अब देखिए सी से बी लगा हुआ है कितना, 6 ओम का। फिर बी से ए कैंसिल आउट, बी से एन कितना लगा हुआ है, 2 ओम का, ये भी कैंसिल आउट। अब एक और रेजिस्टेंस बच रहा है मेरा ए से बी, ए कहाँ है, ए यहाँ पे है, बी कहाँ है, यहाँ पे है, ए से बी एक और रेजिस्टेंस है 6 ओम का, ये भी कैंसिल। अब सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आप देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 6 6 का 3 ओम हो जाएगा, तो कैसा डायग्राम आ जाएगा, इस तरह का डायग्राम आएगा। ये 2 ओम का है और ये मेरा कितना है, 3 ओम का है, ये कितना ओम है, 2 ओम है, सारा का सारा सीरीज में आ गया, 2 2 4 3 7 ओम। सो योर आंसर इज 7 ओम। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ये बेसिक क्वेश्चन था, अब तरह तरह का और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम कैसे होता है उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।